अगर आप भी चाहते हैं कि जजवार और आसपास का लेटेस्ट न्यूज आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना मुजफ्फरपुर लोकल न्यूज जजवार को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज आपको लेके चलते हैं जजवार गाँव के खंडर अस्पताल में, जहाँ जजवार के ग्रामीण दीपावली का पर्व मना रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जजवार गाँव का जो खंडर अस्पताल है 30 साल के खंडर में तब्दील है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में यहाँ के ग्रामीण जो है वो दीपावली का पर्व मना रहे हैं। दोस्तों आपको दिखाते हैं कि जजवार मध्य पंचायत के मुखिया जी क्या कहते हैं इस अस्पताल के बारे में। आप इस पंचायत के मुखिया हैं विगत लगभग 4 साल से, 3 साल से, और ये जजवार का ये खंडर अस्पताल का है तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम सब मिलकर दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, जिसके भविष्य के उज्जवल के लिए आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि अस्पताल अभी तक खंडर पड़ा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जब मैं 2016 में 1 जून को जब मैं मुखिया बना था इस पंचायत का जी, मैं बहुत आशा और बहुत मेहनत के साथ इस पर मेहनत किया था जी, जिसका कि सारा पेपर में भी पढ़े थे, फेसबुक पे भी लोग पढ़े थे जो डाला गया था। मैं डीएम साहब को भी पत्र लिखा था, प्रखंड स्तर से लेकर डीएम स्तर तक मैंने इसका टेंडर भी निकलवाया था, और मैं इसके लिए अभी तक भी जवाब मांग रहा हूँ सरकार से। 19 लाख रुपए का टेंडर निकला था, 19 लाख का तो काम हुआ नहीं। 19 लाख के साथ साथ जो संवेदक थे, बीच में भी पेपर में निकला हुआ था, 19 लाख के साथ जो संवेदक थे, संवेदक तो यहाँ पर काम किए नहीं, लिपापोती करके चले गए। उसके साथ साथ हॉस्पिटल का जो 50,000 का लकड़ी था वो भी लेके चले गए काम करने के बदले। तो मुझे दुख है यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, जो मेरे ना यहाँ पर काम किए और ना यहाँ की व्यवस्था सुधारे। सिविल सर्जन जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा जो बहुत जल्द मुखिया जी आपका यहाँ पर जो अस्पताल की व्यवस्था हम सुचारू ढंग से करवा देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने के द्वारा भी नहीं हुआ। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के साथ हर एक बैठक में हम ये क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी जवाब सिफर दिया जाता है। मेरे स्तर का जो काम का चीज़ है, मेरे स्तर का जो था, मैं इसमें खड़ा होने की जगह भी नहीं था, तो मैंने इसमें मिट्टीकरण करवाया, जो आप लोग देख रहे होंगे सोलिंग करवाया। जहाँ तक मेरे स्तर की बात थी, मैंने इसमें विकास किया, और जहाँ से मेरे से ऊपर की वस्तु है मैं प्रयासरत हूँ उसमें करवाने का। मैं जिला तक पत्र लिखा हूँ डीएम साहब को, लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसमें उतने स्तर जल्दी काम नहीं हो रही है। तो मैं सारे अपने गांव के युवा, जितने भी हमारे यहाँ के मतदाता बंधु हैं या ग्रामीण बंधु, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी से आगाह करूंगा जो हॉस्पिटल में आंदोलन करें, आगे आंदोलन करें, जिससे कि हम लोग को हॉस्पिटल मिले। क्योंकि अब अपने यहाँ सबसे लास्ट छोर पर हम लोग सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा सबके बॉर्डर पे हैं। इलाज की व्यवस्था बहुत ही यहाँ लचर है, जिसके कारण बहुत सारे व्यक्ति इलाज के अभाव में मर जाते हैं। तो हम लोग आंदोलन इसमें आगे करेंगे, जितने युवा हैं हम सब युवा आगे बढ़ेंगे, हम आप लोग के साथ हैं, और हम जहाँ संभव होगा हम लोग उसमें पूरे मेहनत के साथ आंदोलन करेंगे, जो जल्द से जल्द हमारा स्वास्थ्य केंद्र बने और यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। धन्यवाद। यजवार गांव के खंडर अस्पताल में दीपावली मनाने पहुंचे यजवार पश्चिमी के सरपंच श्रीमान सुजीत ठाकुर जी क्या कहते हैं देखिए। आप इस खंडर अस्पताल में लोग जहाँ पे घर पे अपना दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और दीप जलाते हैं, आज आप यजवार गांव के खंडर अस्पताल में दीप जलाने आए हैं दीपावली के त्यौहार में, तो आप इस खंडर अस्पताल के बारे में कुछ बोलिएगा कि अस्पताल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ सुजीत कुमार ठाकुर, यजवार पश्चिमी सरपंच हुए हम। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, कहने में भी शर्म आता है, जो हमारे 3 पंचायत का ये गांव है और उसमें एक ये अस्पताल बना था, लेकिन जब इस अस्पताल के रोड होके गुजरते हैं तो देख के रोना आ जाता है। जो हमारे 3 पंचायत का गांव और अगल बगल में लगभग ये 14 पंचायत से जुड़ा हुआ ये एक अस्पताल है, और इसका स्थिति देख के हम लोगों को बहुत दुख होता है। जो यहाँ से 70 किलोमीटर दूर जब बाढ़ का समय आता है तो इलाज के लिए
हम लोग बच्चे को या किसी को भी सीरियस हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है तो मुजफ्फरपुर या दरभंगा लेके जाते हैं। बहुत सारा लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं और इसके बाद रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। चुनाव का जब समय आता है तो विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री महोदय, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारा आशा देते हैं, पर वो आशा आशा ही रह गया। आज तक इसको देखने वाला कोई भी नहीं मिला जो हम लोगों का ये अस्पताल जर्जर भवन जो है उसका निर्माण होता और हम ग्रामीणों यहाँ आके इलाज करवाते और ये बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग ये जो रास्ते में दम तोड़ देते ऐसा नहीं होता। काश ये हम लोगों का इंतजार रहेगा, इसीलिए आज इस खंडहर में हम लोग बहुत आशा से ये अंधेरे में दीपावली मनाने आए हैं। जो इससे भी बड़े पदाधिकारी गण, मंत्री गण, सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी को नज़र पड़े जो ये युवक सब आज इस स्थिति में आ गया है, जो अपने घर को छोड़ के आज दीपावली खंडहर में मनाने गए हैं, जो हम लोगों का कोई काम हो, हम लोगों का ये आशा पूर्ण हो, जो ये खंडहर फिर से एक अस्पताल में तब्दील हो। धन्यवाद। खंडहर अस्पताल में जब दीपावली का त्यौहार मनाया गया उस क्रम में के लोकल न्यूज के संस्थापक भी पहुंच गए, देखिए क्या कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप, भगवा कलर की बंडी पहनकर। भगवा अभी बहुत बड़ा मैसेज लेकर देश में चलता है, लेकिन भगवा कलर की क्रीचदार बंडी पहनकर आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हम इस जंगल में दीपावली का त्यौहार मनाने आए हैं और हम जजवार गांव से हैं और जजवार पश्चिमी पंचायत मेरा 7 नंबर वार्ड है, ठीक है। तो हम हर साल दीपावली के त्यौहार में ही 10 दिनों के लिए जजवार आते हैं, लेकिन इस बार कैसा जजवार आने से दिल में एक ख्वाब आया कि हम अपने घर में तो दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, हर साल दीप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं और हफ्ता महीना पहले ही हम अपने घर की सफाई करना चालू कर देते हैं, लेकिन ये अस्पताल जो खंडर पड़ा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में बिजली का कनेक्शन चालू है, कहे तो बिजली चालू है लेकिन इस अस्पताल में एक भी बल्ब या लाइट कहे या कुछ भी कहे वो नहीं है। तो हम लोगों ने कुछ अपने मित्रों के साथ में, जजवार गाँव के युवाओं के साथ में विचार किया और वहाँ के युवाओं ने हमारा साथ दिया और हम यहाँ पे दीपावली के त्यौहार मनाने आ गए, जहाँ पे जजवार पश्चिमी के सरपंच श्री सुजीत ठाकुर जी और जजवार मध्य के मुखिया जी सुमननाथ ठाकुर जी भी हम लोग हमारे युवा के साथ में यहाँ पे दीपावली का त्यौहार मनाने आए और उन्होंने अपने ग्रामीण जजवार ग्रामीण वासियों को एक दीपावली पे उपहार कहें या गिफ्ट के स्वरूप में कहें तो उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि हमें जहाँ तक जाना होगा इस अस्पताल के लिए, पुनः निर्माण के लिए जो करना होगा वो करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये अस्पताल लगभग 70 के दशक में बना था, लेकिन लगभग 25 से 30 साल से ये अस्पताल खंडर के रूप में पड़ा है। आपको याद होगा कि आपके गांव में विद्यापति जी का समारोह हो रहा था बड़ी पोखर में, उस टाइम में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी जजवार में आने वाले थे, तो जजवार में आने वाले थे तो इसी रास्ता से ये जो आपका जो ये हाईवे जा रहा है इसी हाईवे से मंगल पांडे जी गुजरने वाले थे, तो उनका नजर इस अस्पताल पे जाता तो हफ्तों पहले इस अस्पताल का आप सामने दिखा सकते हैं, कैमरा एक बार दिखाइए आप, जो ये सामने का जो ये रूम देख रहे हैं सिर्फ यहाँ तक ही रंगाई पोताई है, इसके पीछे में भी आप जाइए तो खंडर है और इसके ये सामने तो आप देख ही रहे जहाँ पे हम लोगों ने मिलकर मोमबत्ती जलाया है वो खंडर ही खंडर है। तो विद्यापति समारोह से एक हफ्ता पहले मंगल पांडे के आने की सूचना से पहले कहे तो इस अस्पताल का रंगाई पोताई फर्स्ट टाइम में करवाया गया था, अभी फिर से इस अस्पताल का रंगाई पोताई करवाया गया है। तो रंगाई पोताई करवाने से हमारे गांव का, हमारे समाज का भला नहीं होगा भैया, साल भर में 365 दिन में लगभग नहीं भी तो दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है जजवार में। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे गाँव के बहुत ही अच्छे लोग थे प्रेम झा जी, जिनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि दरभंगा पटना मुजफ्फरपुर लेके चलो जल्दी, अगर वही सुविधा हमारे गांव में उपलब्ध होता तो आज प्रेम झा जी भी हमारे बीच होते, तो हम अपने ग्रामीण को दीपावली के पर्व पे यही शुभकामना देना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ आइए, हमारे गाँव के युवा के साथ आइए और 30 तारीख को जो एक दिवसीय धरना का आयोजन है
उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आके गांव के युवाओं का उत्साह बढ़ाए, जो जल्द से जल्द अस्पताल का पुनः निर्माण हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यजवार गांव के युवाओं ने 30 तारीख को एक दिवसीय धरना आयोजन किया है, उसमें प्रिय रंजन ठाकुर जी क्या कहते हैं, देखिए। आप इस अस्पताल में दीपावली का त्योहार मनाने आए हैं। ये अस्पताल जो है जजुआर गांव का खंडर अस्पताल का है तो बेहतर रहेगा। तो आप इस खंडर में दीप जलाने आए हैं, आपका मकसद क्या है? देखिए, अपने घर पर तो सभी दीप जलाते हैं, और हमने हमारे दिमाग में एक सवाल आया, क्यों ना हम उस अंधेरे में दीपक जलाएं, जहां की बरसों से जब अस्पताल की शुरुआत हुई थी तब यहां डॉक्टर बैठते थे, इलाज होता था, लेकिन उसके बाद से कभी कुछ नहीं हुआ। जो भवन बने हुए थे वो खंडहर की अवस्था में चले गए, एक भवन में सिर्फ रंगाई पोताई हुआ है, उसके बाद से न डॉक्टर बैठता है, न नर्स है, और न ही बेड की व्यवस्था है, और कम से कम 1,00,000 लोगों के जिंदगी का ये सवाल है। एक हॉस्पिटल PHC कटरा में है, तो वहाँ लोग जा नहीं सकते, आप देखते हैं रोड की क्या स्थिति है, बीच में 3-4 चचरी पार करके जाना पड़ता है, वहाँ तक हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते लोग दम तोड़ देते हैं, और नहीं तो दरभंगा या मुजफ्फरपुर कम से कम 60 किलोमीटर दूर। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक नया शुरुआत हो, लोगों के दिमाग में ये मोमबत्ती जो हम जलाए हैं वो लोगों के दिमाग में जले, अधिकारियों के दिमाग में, पदाधिकारियों के दिमाग में, और सांसद मंत्री विधायक सभी के दिमाग में कि क्यों नहीं यहाँ पे डॉक्टर बैठता है और क्यों नहीं यहाँ इलाज होता है। इसी के शुरुआत के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आप लोग एक दिवसीय धरना का भी आयोजन कर रहे हैं? हाँ, उपेक्षित कटरा विकास मंच के माध्यम से हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं, जो 30 तारीख को होगा, और हम चाहते हैं कि एक नया क्रांति, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग तो आएंगे ही, सभी के दिल में ये दर्द है, और हम लोग इसको दूर करेंगे, इस अंधेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में तो दीपावली का त्यौहार सब मनाते हैं, अस्पताल में जो दीपावली का त्यौहार पुण्य है। देखिए, आदित्य रंजन जी क्या कहते हैं। आप खंडर अस्पताल में दीपावली का त्यौहार मनाने आए हैं, आप अपना परिचय दीजिए। भैया, मेरा नाम आदित्य रंजन ठाकुर है जी, और है सामाजिक चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ जी। अब आप अपने सवाल पूछ लीजिए। तो देखिए, मैं बता दूं, देखिए सबसे पहले कि बड़ा सवाल है कि खंडर जगह पे कोई दिया जलाने क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं है, ये इस गांव में है। इस गांव की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है, 24,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, और लगभग 12,000 से 13,000 लोग वोट करते हैं। 13,000 वोट विधानसभा प्रत्याशी के लिए संजीवनी होता है सर, उसी 13,000 वोट से लोग जीत या हार सकते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के लिए अगर लोग उदासीन है तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपको बताऊं कि कटरा प्रखंड के, मतलब उत्तरी कटरा क्षेत्र के 11 पंचायत को इससे लाभ मिलेगा। ये 7 बेडों का अस्पताल 70 के दशक में ही बना था, कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि 12 मासी सड़क नहीं है, एक तो प्रखंड मुख्यालय जाने में तो ठीक है, प्रखंड मुख्यालय का डेली हमको काम नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें कभी भी हो सकती है, ये किसी ऑफिशियल टाइम से नहीं चलता है। अब हम देखते हैं कि 12 मासी सड़क है नहीं, बरसात के समय में इस गांव में दर्जन भर मौतें होती है सांप के काटने से, क्योंकि आसपास में कोई अस्पताल नहीं है, कोई चिकित्सा व्यवस्था की नहीं है, और इसके लिए हम प्रयास होता रहा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं कि यहां की जनता सोई हुई है, प्रयास होता रहा है, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं दिखती है। हमने भी सोचा कि चलो एक नई पहल की जाए, और ये इसको समझिए कि क्रांति की एक शुरुआत है, और इसका अगला चरण आपको आगामी 30 तारीख को देखने को मिलेगा, जब हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरने पर बैठेंगे। हमने पदाधिकारियों को सूचना दे दी है, और यहाँ पे धरना होगा, एक बड़ी लड़ाई होगी, जरूरत पड़ी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिला स्तरीय
राज्य स्तरीय आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम लोग वहां तक बढ़ेंगे, यहां सामने वाले नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि जजवार गांव के ग्रामीणों ने 30 साल से खंडर बड़ा अस्पताल में कैसे दीपावली का त्यौहार मनाया। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि इस अस्पताल का पूरा निर्माण हो, डॉक्टर आए, इस अस्पताल में नियमित जजवार गांव के जन जन को इस अस्पताल से फायदा मिले। तो एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।